वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आपको पता ही है मैं कैमरा लिया था जो है सोनी A7C। आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो अनबॉक्सिंग का। तो ये रहा मेरा कैमरा, इसको साइड में रखते हैं अभी के लिए क्योंकि इसका तो अनबॉक्स हो गया है, लेकिन ये सिर्फ बॉडी है जो मैं लिया था। अभी लेंस सेपरेटली लेना चाहता था क्योंकि मेरे दिमाग में दो लेंस ऑलरेडी डिसाइडेड थे, इसलिए मैं किट लेंस के साथ नहीं गया था और किट लेंस उतना खास भी नहीं लगा मेरे को। एक्चुअली एक लेंस चाहिए था मेरे को जो कि फोटोग्राफी के लिए अच्छा हो, लाइक पोर्ट्रेट निकालने के लिए ऐसा कुछ अच्छा हो, और एक चाहिए एक वाइड एंगल। आई थिंक मुझे लॉन्ग जूम ज़रूरत नहीं है, एक वाइड एंगल और एक फोटोग्राफी के लिए एक अच्छा सा लेंस चाहिए था। सो पहला लेंस तो ऑर्डर कर दिया था मैंने और वो आ गया है, वो है ये सोनी 50mm f1.8। ये एक प्राइम लेंस है सोनी की तरफ से, यहाँ पे लिखा है ई माउंट 35mm फुल फ्रेम वाला लेंस है ये। सो ये मैं यूज़ करने वाला हूँ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करने के लिए क्योंकि इसमें अच्छा आउटपुट अच्छा है इसका, और प्राइस वाइज भी ठीक ठाक है, ज़्यादा प्राइस ही नहीं है। सो इसका प्राइस है अराउंड 19,000 और मैं एक्चुअली अनबॉक्स कर दिया था इस बॉक्स का क्योंकि इससे पहले एक प्रोडक्ट डिलीवर हुआ था जो कि डिफेक्ट पीस था, तो मैं वो रिटर्न करके वो लोग ने फिर से नया पीस दिया है। सो उनके सामने ही ओपन करके देख रहा था कि अगर कोई डिफेक्ट पीस तो नहीं है फिर से। सो चलो अनबॉक्स करते हैं कैमरा के सामने। इसमें तो सब पेपर वर्क ही ज़्यादा है, इसको बाजू में रखते हैं ऐसा। बबल रैप, सो ऐसा कुछ दिखता है लेंस। ये प्राइम लेंस है फिक्स टू फोकस वाला, और ये रहा हुड, इसको ऐसा लगा के प्रोटेक्टर जैसे यूज कर सकते हो और ना ऐसे बंद कर सकते हो अगर यूज में नहीं है तो। बाजू में रखते हैं, और एक लेंस कवर देख सकते हो अपर्चर कितना बड़ा है। एक्चुअली जितना नंबर कम होगा उतना बड़ा अपर्चर रहता है, उतना ज़्यादा लाइट अंदर जाता है। यह है फोकस रिंग और ये पीछे की तरफ माउंट, ये बेसिकली ई माउंट है, फुल फ्रेम वाला लेंस है। यहाँ पे देखो एफ ई लिखा हुआ है, एफ ई यानी फुल फ्रेम वाला लेंस है सोनी में। बस यही है, एक हुड मिला है, एक लेंस मिला है विद ऊपर का कैप, बस इतना ही आता है बॉक्स में और पूरा पेपर वर्क ही है जो ज़रूरत नहीं है। ये लेंस बेसिकली पोर्ट्रेट्स निकालने में अच्छा रहता है, तो बैकग्राउंड बहुत ब्लर होता है। अब लगाते हैं कैमरा को, ये है इसका फुल फ्रेम सेंसर। अब इसके ऊपर एक वाइट डॉट है, इस वाइट डॉट को यहाँ पे वाइट डॉट के साथ अलाइन करना है और घुमा देना है। एक्चुअली थोड़ा टाइट है ये लेंस, तो ऐसा कुछ दिखता है विदाउट हुड। बहुत छोटा है लेंस, 50mm है लेकिन छोटा है, कॉम्पैक्ट है और ज़्यादा वेट भी नहीं है क्योंकि ये प्लास्टिक बिल्ड है। प्लास्टिक बिल्ड से एक एडवांटेज है कि लाइट वेट रहेगा बट उतना स्टडी नहीं रहता है, अगर गिर गया
लेंस पे, तो लेंस इजीली डैमेज हो सकता है, तो बहुत प्रिकॉशन से यूज़ करना पड़ता है। और ये हुड यूज़ करना इज़ अ बेटर थिंग, हुड लगाने के बाद ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा दिखता है जैसे बड़ा लेंस, जूम वाला लेंस हो हुड लगाने के बाद। सो ये है पूरा पैकेज 50mm लेंस के साथ A7C। इसके साथ और एक लेंस लेने वाला हूँ मैं, जो कि वाइड एंगल हो। सो इससे थोड़ा पीछे जाना पड़ता है फ़ोटोज़ निकालने के लिए, सब्जेक्ट थोड़ा दूर रहना पड़ता है, लेकिन फ़ोटोज़ तो बढ़िया आते हैं। इसके सैम्पल शॉट्स डालूँगा मैं इसमें, इस वीडियो में। इंस्टाग्राम में जब फ़ोटो अपलोड करूँगा तो मेंशन कर दूँगा कि फ़ोटो मैंने इससे लेंस ले लिया है, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो। अभी इस वीडियो में यहीं तक, आप पिक्स एंजॉय करो, अगले वीडियो तक गुड बाय।